हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि टॉपिक आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम आज बात करने वाले हैं इन डिस्प्ले कैमरा के बारे में। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे रियलिटी में ओप्पो ने फर्स्ट यहाँ पे अपना शोकेस किया है फ़ोन जो कि इन डिस्प्ले कैमरा के साथ आता है। तो इन्होंने ये शोकेस किया है ट्विटर पर इनकी वीडियो आ चुकी है, जिसमें यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि इन्होंने इस तरह का फ़ोन बना लिया है जिसमें कि यहाँ पे इन डिस्प्ले कैमरा हमको देखने के मिलेगा। उसी के फौरन बाद यहाँ पे आ गया एक वीडियो शाओमी की तरफ से, यानी कि रेडमी की तरफ से यहाँ पे एक नेक्स्ट वीडियो निकल के आया, जिसमें उन्होंने भी बता दिया कि हमने भी जो है यहाँ पे इन डिस्प्ले कैमरा को बना लिया है। तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे स्मार्टफोन कंपनीज ने इन डिस्प्ले कैमरा को यहाँ पे बना लिया, कैमरा के अंदर इन डिस्प्ले वर्क हो रहा है। और बात करेंगे कि किस तरह से वर्क होता है और यहाँ पे क्या हमको पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे हमको नॉर्मल कैमरास में, जो कि पॉपअप कैमरास ले लीजिए या आप लीजिए नॉर्मल कैमरास, तो जो क्लैरिटी हमको यहाँ पे एक्सटर्नल फिजिकल कैमरास से देखने के लिए मिलती है, क्या वही यहाँ पे क्लैरिटी हमको जो है इन डिस्प्ले कैमरास में देखने को मिलेगी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और उस घंटी को दबा दीजिए ताकि आपको फ्री में नोटिफिकेशन मिल जाए। फिलहाल में 1.5 साल 2 साल में ही यहाँ पे जो है हमको नॉचेस देखने को मिल रहे थे, और करीब साल में हमको यहाँ पे जो है पॉपअप कैमरा से सब कुछ देखने के लिए मिल गए। तो यहाँ पे अभी इतनी फौरन इतनी जल्दी हमारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, वो भी स्मार्टफोन इंडस्ट्री इतना जल्दी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है कि हमको जो है यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ यहाँ पे इन डिस्प्ले कैमरास भी देखने को मिल जा रहे हैं। अगर बात करते हैं तो इन डिस्प्ले कैमरा किस तरह से यहाँ पे वर्क हो रहा है, डिस्प्ले हमको देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पे पीछे कैमरा दिया गया जो कि यहाँ पे फ़ोटो को ले रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पे दोस्तों आपको पहले समझना होगा कि यहाँ पे जब भी फ़ोटो ली जाती है कैमरा से, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइट। जितनी ज़्यादा लाइट और जितनी अच्छी लाइट उसमें जाएगी, उतनी अच्छे फ़ोटो और उतनी अच्छा आपको जो है क्लैरिटी देखने को मिलेगी। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे डिस्प्लेस जो है एमोलेड डिस्प्लेस, ओएलईडी डिस्प्लेस, कुछ अलग ही डिस्प्लेस यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं, जिसमें कि आपको जो है यहाँ पे काफ़ी सारे माइन्यूट माइक्रो होल्स देखने को मिलेंगे, जिससे कि यहाँ पे जो है लाइट अंदर इजीली जा सकती है और आपको डिस्प्ले में भी कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं पिक्चर क्वालिटी की, तो यहाँ पे हमको पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट लाइट अंदर एंटर नहीं हो रही है, तो हमारी जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी नहीं आएगी। तो सिर्फ शोकेस जो है स्मार्टफोन्स के सामने है ट्विटर पर, कब इसको मैन्युफैक्चर करके और कब रियलिटी में इसको जो है हमको यहाँ पे हर एक कंज्यूमर को यहाँ पे कंज्यूम करने के लिए ये स्मार्टफोन्स मार्केट में मिलेंगे, इसका अभी तक कुछ रिवलेशन नहीं है दोनों स्मार्टफोन कंपनीज से। तो काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे हमको फुल व्यू डिस्प्ले का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा विदाउट पॉपअप कैमरास। तो यहाँ पे अगर आप वीडियो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये डिस्प्ले है, ये जब आप कैमरा ऑन करते हैं तो डिस्प्ले का ऊपर का एरिया जो है वो बंद पड़ जाता है और यहाँ पे जो है कैमरा ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये काम कर रहा है कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे शाओमी का वीडियो भी आप देख सकते हैं, इसमें भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाया गया है कि डिस्प्ले चल रहा है, ऊपर का जो एरिया है कैमरा का वो ब्लैक हो जा रहा है और जो है कैमरा यहाँ पे इजीली वर्क कर रहा है। तो वर्किंग तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से हो रहा है। यहाँ पे अगर इनको ये कंज्यूमर के लिए लाना है, तो यहाँ पे कैमरा में अच्छी क्लियरिटी के लिए इनको यहाँ पे सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है इनके कैमरा के लिए काफ़ी अच्छी तरह से इनको फ्रेम करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है कैमरास को इनको सिंगल के बदल डुअल कैमरा शायद देने पड़ेंगे काफ़ी अच्छी क्लियरिटी के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे IR स्कैनिंग, फेस रिकॉग्निशन के लिए IR स्कैनिंग स्कैनर इसमें डाल दें तो काफ़ी अच्छी बात। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग टेक्निकल वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव अनबॉक्सिंग, रिव्यूज के वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।